गाइस तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते खैरियत होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अपने धनी बन फ्रीडम कार्ड के लिमिट को अपने बैंक में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था दोस्तों, लेकिन उसमें जो है ना काफ़ी सारे मुझे ऐसे कमेंट मिले कि दोस्त यहाँ पर जो है ना मेरा धनी बन फ्रीडम कार्ड के जो बैलेंस है वो जो है मेरे बैंक में नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मैं मोबीक्विक से ही बताऊंगा, और मैंने पिछली वीडियो भी मोबीक्विक के ऊपर ही बनाई थी कैसे आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का जो है यहाँ पर जो है काफ़ी सारे प्रॉब्लम आया। इस सवाल का जवाब देने के लिए फिर से मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, और मैं इसमें जो है प्रूफ करूँगा आप लोगों को कि इससे जो है धनी बन फ्रीडम कार्ड से अपने बैंक में कैसे पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। मैं आपको पूरी प्रूफ के साथ ही वीडियो बना के दिखाऊँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए गाइस तो आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको धनी एप्लीकेशन ओपन करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर देखिए मैंने धनी एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, और यहाँ पर देखिए मेरे वॉलेट में जो है अभी आपका भी जो क्रेडिट लिमिट रहेगा वो आपके यहीं पर शो होगा। तो आप लोग का मेरा देख सकते हैं 10 रुपये मेरे वॉलेट में है। तो मैं बैंक में ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ इसे, और आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाऊँगा। तो सबसे पहले देखिए नीचे माई कार्ड का सेक्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। मैं अपना कार्ड दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, और इसी कार्ड से आप लोग का पैसा ट्रांसफ़र होगा। अगर आप लोगों ने फिजिकल कार्ड एक्टिवेट किया है तो फिजिकल कार्ड से ना करके आप डिजिटल कार्ड से ही करिए, तभी आपका हो पाएगा, ज़्यादा चांस रहता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने मोबीक्विक एप्लीकेशन को भी ओपन कर लिया है। पिछली बार जब वीडियो बनाए थे तो काफ़ी लोग बोले कि नहीं वर्क करता है, तो मैं यहाँ पर देखिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ऊपर की साइड में आप देखिए बैलेंस का ऑप्शन है, तो ऐड मनी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना, ठीक है। ऐड मनी का ऑप्शन पर फिर से ऊपर देखिए बैलेंस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद ऐड मनी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जितने भी आप पेमेंट बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं धनी बन फ्रीडम कार्ड की क्रेडिट लिमिट से, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है यहाँ पे मोर पेमेंट ऑप्शन के मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा कार्ड जो है दो पहले से इसमें जो है सेव हुआ है। तो मैं मोर पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डाल देता हूँ। मैं पहले यहाँ पे से माय कार्ड के सेक्शन में जाके अपने कार्ड नंबर को जो है कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए मैं अपने यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ अपने कार्ड नंबर को, और यहाँ पर सी वी वी नंबर एक्सपायरी डेट एक्सपायरी मंथ यहाँ पर डाल देना है, और सी वी वी नंबर डाल देना है। फिर पे का जो ऑप्शन है पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों। पे के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करते हैं आपके बैंक की तरफ से आपको जो एक जो ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी आप लोग को यहाँ पे फिल करना है। फिल जैसे करते हैं यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही देखिए दोस्तों आप लोग को चुटकियों में जो है ना आपका लाइव प्रूफ मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये क्या है। फिर तो यहाँ पर जो देखिए आप लोग का ये बता दिया गया है कि आपके जो वॉलेट में है पैसे ऐड हो चुके हैं सक्सेसफुली, और यहाँ पर देखिए 10 रुपये मेरे थे, 10 रुपये मैंने धनी एप्लीकेशन से जो यहाँ पर ऐड कर लिए हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैं धनी एप्लीकेशन से जो है यहाँ पर कर चुका हूँ, और यहाँ पर देखिए होम पेज के ऑप्शन पे देखिए आप बैलेंस के ऑप्शन में मेरे 10 रुपये हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए आप लोग काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, बैंक वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करना है आप लोग को, और यहाँ पे जो है अपना बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसा कि मेरा दो अकाउंट है यहाँ पे, तो मैंने सेव किया है इसे। यहाँ पर देखिए मैंने जो है अगर यहाँ पर ट्रांसफ़र करने जाता हूँ तो ये मैक्सिमम 50 रुपये अगर आपके रहेंगे इसके वॉल्ट में तभी आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन मेरा भी 10 रुपये है तो मैं तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप लोग को ऐसे ही वॉलेट में ऐड कर लेना है, या वॉलेट में ऐड करने के बाद बैंक टू वॉलेट टू बैंक ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद बैंक अकाउंट ऐड करके यहाँ पर से आप लोग जो है पेमेंट अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। लाइव प्रूफ अभी भी ये वर्क करता है और ये करता भी रहेगा। तो जिन लोगों का सवाल था कि नहीं करता है, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रूफ दिखा दिया है। इससे इसके बाद भी अगर आप लोग कुछ डाउट है तो मेरे कमेंट में बताइए, मैं अगली वीडियो आपकी टॉपिक पे ही बताऊंगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक के एंड बाय बाय फ्रेंड्स। अगली वीडियो के लिए मुझे कमेंट